सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, ड्रिप गोकू के पिछले वीडियो में आपने देखा कि बीरस किंग वेजिटा के प्लेनेट पर आता है और वो किंग वेजिटा को अपनी पावर दिखाता है और वो किंग वेजिटा को एक टास्क देता है और अब किंग वेजिटा का टाइम खत्म हो जाता है और विश किंग वेजिटा के पास आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप तक डेली वीडियो पहुंचते रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है विश से और वो कहता है, उम्मीद है कि किंग वेजिटा अपनी मेहनत पर खरे उतरेंगे। और अब किंग वेजिटा वो तकिया लेकर आ जाता है और वो कहता है, ये लो मिस्टर विश, आपका यूनिवर्स का नंबर वन तकिया। विश अब किंग वेजिटा को शक की नजर से देखने लगता है और कहता है, किंग वेजिटा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। किंग वेजिटा शॉक होकर कहता है, आप ये क्या कह रहे हो विश, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। विश कहता है, किंग वेजिटा, ये नंबर वन तकिया नहीं है। ये सुनकर किंग वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है, अरे नहीं विश, यही है नंबर वन तकिया, मुझे तो यही मिला है। विश कहता है, ठीक है किंग वेजिटा, अब आपका फ्यूचर डिसाइड हो चुका है। इसके बाद विश वहां से चले जाता है। अब हम देखते हैं किंग वेजिटा काफी परेशान होता है और कहता है, ये क्या कहकर गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ देर बाद सीन जाता है बीरस पर और विश उसे सारी बात बता देता है। बीरस कहता है, क्या कहा, उसने बेईमानी करी, उसे तो मैं। विश कहता है, जी लॉर्ड बीरस, आपको अब उसे सबक सिखाना ही होगा। बीरस कहता है, क्या मैं, नहीं विश, मैं वहां पर फिर नहीं जाऊंगा। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, लेकिन अगर आप उन्हें सजा नहीं देते हो तो इसमें आपका अपमान होगा। तभी बीरस कहता है, नहीं, तुम मेरे असिस्टेंट से कह दो, वो उनका प्लेनेट उड़ा देगा और वैसे भी वो वहीं पर रहता है। विश कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस, आपकी जैसी इच्छा। इसके बाद विश वहां से चले जाता है। बीरस कहता है, मुझे तो काफी नींद आ रही है, इसलिए मैं तो चला सोने। और अब सीन जाता है किंग वेजिटा पर और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, लेकिन वो अपने लोगों को अपनी तकलीफ नहीं बताता है। इसके बाद सीन जाता है विश पर और वो मिलता है फ्रीजा से और वो कहता है, फ्रीजा, लॉर्ड बीरस की तरफ से एक ऑर्डर आया है, तुम्हें आज के आज प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये सुनकर अब फ्रीजा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या, मुझे प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करना होगा, पर क्यों, मुझे तो वहाँ पर भी राज करना है। तभी विश कहता है, मेरा काम था तुम्हें बताना, अगर तुम ये नहीं करते हो तो प्लेनेट वेजिटा के साथ साथ तुम्हारा भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, चॉइस अब तुम्हारी है। इसके बाद विश वहाँ से चले जाता है। फ्रीजा कहता है, लॉर्ड बीरस ने कहा है तो ये करना ही होगा। और अब फ्रीजा पूरे प्लेनेट में अनाउंस कर देता है कि वो प्लेनेट वेजिटा उड़ाने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बार्डोग अपने बेटे को बचाने के लिए प्लेनेट अर्थ में भेज देता है और थोड़ी देर बाद फ्रीजा पूरा प्लेनेट वेजिटा तबाह कर देता है, जिससे सारे सेंस का सफाया हो जाता है। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड पृष्ठ पर और उसे पता चल जाता है कि यूनिवर्स 7 में एक पूरा किंगडम उड़ा दिया गया है। ग्रैंड पृष्ठ पहले तो शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन्हें इन सेन का कुछ भी नहीं पता था, मगर उन्हें अब खुशी भी मिलती है कि पूरे सेन रेस अब मारी गई। ग्रैंड पृष्ठ हंसते हैं और कहते हैं, ये सेंस मेरी लाइफ में कुछ खास बन चुके हैं, पता नहीं जब भी मैं इनके मरने की खबर सुनता हूँ दिल में अजीब सा सुकून मिलता है, इस बार मुझे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बेटे का, उसी के डिस्ट्रॉयर ने ये सब करवाया है। ग्रैंड पृष्ठ को अब एक बार और तसल्ली हो जाती है कि सभी सेंस अब मारे गए, लेकिन उसे ये कहां खबर होती है कि कुछ सेंस अभी भी जिंदा है और वो सेंस अवतार वाले ही होते हैं। साथ ही में हमें ये पता चलता है कि एक बार फिर ड्रैगन किंग का भी अवतार आ चुका है, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया होता है, उसने कुछ पावरफुल नेमिकेन बनाए।
जिनके अंदर उसने ड्रैगन्स क्रिएट करने की पावर डाली और इसी तरह ड्रैगन किंग्स के सभी ड्रैगन्स भी जन्म लेते हैं। लेकिन इन ड्रैगन्स के लिए उन नेमेकियन ने कुछ रूल्स बनाए जिस वजह से उन्हें सिर्फ ड्रैगन बॉल से ही बुलाया जा सकता था और इससे कोई भी ड्रैगन का ज़्यादा कुछ यूज नहीं कर पाएगा। ऐसे करते करते मल्टीवर्स में कई साल बीत जाते हैं और इतने सालों में गोकू और वेजिटा के बीच में भी दोस्ती हो चुकी है, क्योंकि इनकी दोस्ती इस लाइफ में ही नहीं थी बल्कि ये तो पिछले जन्म से ही दोस्त थे। दोस्तों, यहाँ पर वेजिटा ही क्यूगा का अवतार है और पिछले जन्म में क्यूगा लो क्लास सेन था और अकुमो एलीट क्लास का सेन था, लेकिन इस बार गोकू लो क्लास सेन और वेजिटा एलीट क्लास सेन था और इस बार की खबर ग्रैंड प्रिस्ट को जरा भी नहीं होती। लेकिन एक दिन बीरस को सपना आता है कि वो किसी सुपर सेन गॉड से लड़ रहा है। बीरस विश से पूछता है, विश, हमने तो सभी सेन्स को खत्म करवा दिया था ना, फिर ये कौन सा सेन है जिसके साथ मैं लड़ रहा हूँ? विश पूछता है, आप किसकी बात कर रहे हो लॉर्ड बीरस? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बीरस कहता है, मुझे सपने में बार बार एक ही सेन नजर आता है और वो सेन एक सुपर सेन गॉड था। विश कहता है, मैंने तो ऐसे सेन का नाम पहले कभी नहीं सुना लॉर्ड बीरस, ये आपका शायद वहम होगा। बीरस कहता है, नहीं, ये वहम नहीं हो सकता है। तभी ओरेकल फिश कहती है, लॉर्ड बीरस सही कह रहे हैं, मैंने भविष्य पता लगाया है कि आपकी लड़ाई किसी सुपर सेन गॉड से होगी। बीरस थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, कहीं ये सेन अपने प्लैनेट का तो बदला लेने नहीं वाला? ओरेकल बताओ इस फाइट में कौन विनर होगा? ओरेकल फिश कहती है, लॉर्ड बीरस मैं इतना दूर तक नहीं देख सकती, लेकिन ज्यादा चांस मुझे आपके लग रहे हैं। बीरस अब स्माइल कर रहा होता है कि तभी विश कहता है, लॉर्ड बीरस इसमें खुश होने वाली बात क्या है? ये वाली बात ओरेकल फिश की कंफर्म नहीं है कि आप ही जीतेंगे। बीरस कहता है, जो भी हो लेकिन जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि मैं एक डिस्ट्रॉयर हूँ। और इस तरह हमें पता चलता है कि गोकू और वेजिटा की जान पहचान कैसे विश और बीरस से होती है। शेनरॉन सुपर सेन गॉड के बारे में इसलिए थोड़ा बहुत बता पाता है क्योंकि वो उस वक्त जैन कामा के अंडर मौजूद था और उसने सुपर सेन गॉड को देखा था। फिर गोकू सुपर सेन गॉड बनकर बीरस से लड़ता है और इसके बाद इन दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो जाती है। लेकिन इनकी दोस्ती इन्हें कहां लेकर जाएगी इन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। और फिर कई साल बाद हमें दिखता है कि बीरस और चैंपा को सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में पता चल चुका है और वो इसे पाने के लिए झगड़ पड़ते हैं और अपने अपने यूनिवर्स को एक दूसरे से लड़वाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहां पर यूनिवर्स 6 और 7 के फाइटर्स की फाइट होने वाली थी। अब सीन जाता है जैनो पर और वो कहता है, इतने साल हो गए हैं एक ही गेम खेलते खेलते मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ। गार्ड्स, मेरे लिए कोई नया गेम सोचो जिससे मुझे खुशी मिले। गार्ड्स भी अब सोच में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं, जैनो सामा अब कोई गेम तो बचा नहीं है, बट मेरे पास एक आइडिया है। जैनो पूछता है, कैसा आइडिया गार्ड्स? गार्ड्स कहते हैं, आज मल्टीवर्स में एक बेहतरीन टूर्नामेंट हो रहा है, आप कहो तो हम आपको वहाँ ले चलते हैं। जैनो अब खुश हो जाता है और कहता है, टूर्नामेंट, वाओ, फिर तो बहुत ही मजा आएगा, चलो वहीं पर चलते हैं। और इस तरह से जैनो यूनिवर्स 6 और 7 के टूर्नामेंट के बीच में चला जाता है, जहां पर उनकी दोस्ती गोकू यानी अकुमो से हो जाती है। गोकू कहता है, जैनी अब से हम बेस्ट फ्रेंड हुए ना, ओके? जैनो कहता है, हाँ गोकू, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें परेशान करेगा उसे मैं इरेज कर दूंगा। गोकू अब बीरस की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हुआ तो मैं आपको बता दूंगा जैनी। जैनो कहता है, ये लो मेरा पावर बटन, तुम जब भी मुझे बुलाना चाहते हो तो एक बटन दबा देना और तुम मेरे पास आना चाहते हो तो दूसरा बटन दबा देना। इसके बाद जैनो वहाँ से चला जाता है। चैंपा कहता है, गोकू को तो जैनो सामा ने दोस्त बना लिया है, अब हमें इससे सावधान रहना पड़ेगा। अब ये बात ग्रैंड प्रिस्ट को कैसे पता चलेगी, जानने के लिए कल फिर आना। तब तक के लिए बाय बाय।